हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपका नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। पाठ आरंभ करने से पहले आप मुझे एक प्रश्न बताएंगे? क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। बिल्कुल सही बच्चों, आपने मोर देखा है? मोर कितना सुंदर पक्षी है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब में सबसे सुंदर प्राणी पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गौरैया, कबूतर, कोयल, तोता आदि। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन पक्षियों में कुछ ऐसे पक्षी हैं जो अब समाप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। आपने बहुत से पक्षियों को चिड़ियाघर में भी देखा होगा। चिड़ियाघर में ऐसे पक्षी रखे जाते हैं जो कि दूसरे देशों से लाए हुए हैं। वहां पर कुछ पक्षी हमारे देश के भी हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे देशों के पक्षी होते हैं। आपने कभी वहां ध्यान दिया है कि जो चिड़ियाघर में पिंजरे होते हैं, जहां पर पक्षी बंद होते हैं, उन पिंजरों पर उन पक्षियों के नाम, उनका जन्म स्थान, उनके खान पान के बारे में भी लिखा हुआ होता है। बच्चों, आज की जो कविता है वो पक्षियों पर ही आधारित है। ये कविता सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवित्री ने एक चिड़िया और उसके घोंसले के बारे में बताया है। घोंसला तो आप जानते होंगे, चिड़िया जहां रहती है, चिड़ियों का रहने का जो स्थान होता है, उनका जो घर होता है, उसे हम घोंसला बोलते हैं। तो बच्चों, आइए हम कविता स्टार्ट करते हैं। आंधी आई जोर शोर से, टूटी डाली है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। बच्चों, हम सब सर्दी, गर्मी, धूप आदि से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहते हैं। हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अपना घर बहुत अच्छा लगता होगा। इसी तरह से जो चिड़िया होती हैं, वो अपना जो घोंसला बनाती हैं, वो एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती हैं। उस घोंसले को वो बहुत अच्छे से सजाती हैं और वो उनके लिए बहुत प्यारा होता है। अपना घर तो सबको प्यारा होता है, उसी तरह से चिड़िया को भी अपना घोंसला बहुत प्यारा होता है। इस कविता में कवित्री एक चिड़िया के घोंसले के बारे में बता रही हैं कि एक बार बहुत तेज से जब आंधी आई और चिड़िया का घोंसला जो है वो उस आंधी में उड़ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, इस विषय पर ये कविता लिखी गई है। देखिए, आंधी आई जोर शोर से, जोर से मतलब बहुत तेज से आई, और शोर, शोर का मतलब बहुत तेज आवाज होता है ना। तो एक बार जब आंधी आई, बहुत तेज से आंधी आई, तो चारों ओर, आपने भी देखा होगा कि जब बहुत तेज से आंधी तूफान आता है तो चारों ओर एक अजीब तरीके की आवाज सी सुनाई पड़ती है, हर तरफ बहुत अजीब सा, डरावना सा माहौल हो जाता है। तो इसी तरह से एक बार बहुत जोर शोर से आंधी आई, टूटी डाली है झकोर से। झकोर मीन्स हवा का तेज झोंका जो होता है, बहुत तेज हवा से एक पेड़ की डाली, डाली में जो शाखा होती है वो टूटकर गिर जाती है, और उसी शाखा पर, उसी डाली पर एक चिड़िया का घोंसला होता है। उड़ा घोंसला बेचारी का,
अब जब डाली टूट कर गिरती है तो उसका घोंसला, जो चिड़िया का घोंसला होता है, वो भी टूट कर जमीन पर गिर जाता है, उड़ जाता है। किससे अपनी बात कहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? कवित्री कहती है कि जब चिड़िया का घोंसला गिर जाता है, टूट जाता है, तो वो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। और कवित्री ये सोच रही है कि ये चिड़िया जो है वो अपनी बात किससे जाकर कहेगी, किसे अपना दुख बताएगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं? अब कवित्री जो है वो इस बात से बहुत दुखी है कि चिड़िया का घोंसला जो है वो टूटकर गिर गया। अब कवित्री खुद सोच रही है कि वो किस प्रकार से चिड़िया की मदद करें। तो वो सोचने लगती है कि मैं अब क्या ऐसा करूं, कैसे इतना बड़ा पेड़ जो है वो अपने घर में कहां से लाकर लगाऊं, कैसे यह घोंसला बनाएं? कवित्री अपने बारे में सोच रही है कि मैं किस तरह से चिड़िया का घोंसला उस पेड़ पे लाके बना दूं, क्योंकि चिड़िया जो है वो अपना घोंसला पेड़ के ऊपर ही बनाती है। तो अब कवित्री इस बात से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है कि वो किस तरह से एक बड़ा सा पेड़ अपने घर में लाकर लगाएं और उस पेड़ पर उस चिड़िया का घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? कवित्री कह रही है कि जब चिड़िया का घोंसला आंधी में टूट कर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उस घोंसले में कुछ अंडे भी होते हैं, चिड़िया के कुछ अंडे रखे होते हैं, वो भी आंधी के साथ जब नीचे गिरते हैं तो वो भी टूट जाते हैं। कवित्री कह रही है कि अब मैं क्या करूं, किस तरीके से इस चिड़िया के अंडों को वापस जोड़ दूं, किससे यह सब बात कहेगी? कवित्री कह रही है कि ये चिड़िया जो है इतनी दुखी है, परेशान है, वो किससे जाकर अपना दुख बताएगी, अपना हाल बताएगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? कवित्री बार बार इसी बात को सोच रही है कि ये चिड़िया जो है अब वो बेचारी जाकर कहाँ रहेगी, क्योंकि उसका घर तो टूट गया, अब उसके पास कोई घर नहीं है, उसको वापस फिर से उतना ही परिश्रम करके एक अपना घर बनाना पड़ेगा, लेकिन तब तक वो चिड़िया कहाँ रहेगी? तो बच्चों, आपने इस कविता में देखा कि कवित्री महादेवी वर्मा जी जो हैं, उनके मन में पक्षियों के प्रति कितना प्रेम है। वो पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति बहुत सहानुभूति रखती थी। इसी प्रकार से हम लोगों को भी पशु पक्षियों को परेशान ना करते हुए उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। आपने एक कोटेशन भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, जीवों पर दया करो। तो हम लोगों को भी किसी भी जीव को, किसी भी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों, आशा है आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आप कविता पढ़िएगा, उसके भाव को समझिएगा। ठीक है? ठीक है, अब सभी लोग अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।